देखते हैं खबर प्रीतम म्हात्रे द्वारा किए गए समाज कार्य की। हमेशा सामाजिक कार्य में अग्रसर रहने वाले पनवेल महानगर पालिका के विपक्षी नेता प्रीतम म्हात्रे द्वारा 6 लाख रुपए खर्च कर मुस्लिम कब्रिस्तान की सेफ्टी वॉल की मरम्मत का काम किया गया, जिसके चलते बुधवार को मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा प्रीतम म्हात्रे को सम्मानित किया गया। पनवेल महानगर पालिका के विपक्षी नेता प्रीतम म्हात्रे समाजाभिमुख राजनीति के लिए सुपरिचित है और अब उन्होंने समाज सेवा के अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपनी आमदनी से लोगों को सार्वजनिक सुविधाएं मुहैया कराने का बीड़ा उठाया है। कुछ दिन पहले उन्होंने सेक्टर 5 के रहवासियों को गार्डन की सफाई का अभिवचन दिया था, जिसके मुताबिक किसी भी सरकारी अनुदान का इंतजार ना करते हुए अपनी जेब से खर्चा कर उन्होंने गार्डन की साफ सफाई करवाई और अब उसके सुशोभीकरण की शुरुआत करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ श्री प्रीतम म्हात्रे ने टपाल नाका स्थित कब्रस्तान की सेफ्टी वॉल की मरम्मत का आश्वासन स्थानीय मुस्लिम समुदाय को दिया था, जिसके मुताबिक अपनी आमदनी से 6 लाख रुपए खर्च कर प्रीतम म्हात्रे ने कब्रस्तान की सेफ्टी वॉल का काम पूरा किया। उनके इस समाज कार्य से प्रभावित होकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पटेल मोहल्ले में प्रीतम म्हात्रे के सत्कार समारोह का आयोजन किया था। बुधवार को आयोजित इस सत्कार समारोह में मजहर पटेल और उनके सहयोगियों द्वारा प्रीतम म्हात्रे को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शेकापक्ष के पनवेल महानगर जिला सचिव गणेश कड़ू, पूर्व नगर सेवक सत्तार मामू, खालिद पिट्टू, फक्कू भाई मुबारक, खालिद मंत्री, इकबाल नावडेकर, रियाज देशमुख, फैजल मेटकर, एडवोकेट बशीर, नाजिम नालखंडे, अकील अधिकारी आदि गणमान्य सहित मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अकील अधिकारी ने प्रीतम म्हात्रे के समाज कार्य की सराहना करते हुए उनके आगामी राजनीतिक सफर के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। यकीनन अच्छे काम के लिए मैं कभी भी कोई भी रहे और वो किसी भी जमात का हो या किसी भी पक्ष का हो, अच्छा काम है तो अच्छा काम ही है। रहा सवाल यहाँ पर हमारे, मैं जो आया हूँ वो मेरे खास कर उनके वालिद जो है जय माता साहब, उनके एक ज़माने से ताल्लुकात हैं, बिजनेस ताल्लुकात भी हैं और एक अच्छे आदमी की हैसियत से उनमें मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। रहा सवाल अभी कि आज के ज़माने में कौन किसी को 1,000, 2,000, 10,000 देने के लिए भी आगे पीछे करता है। एक 6 लाख का बजट जो था उन्होंने अपने जाती खर्चे से किया है, यकीनन वो काबिल तारीफ है और अच्छे काम की सराहना होना चाहिए। मैं उन्हें इस बात पर आगे के भावी जो एक क्या बोलेंगे जिसको शुभेच्छा बोलते हैं कि यकीनन आगे कहीं तो भी आदमी एक आमदार के लायक है और इंशाल्लाह होता है तो अब जैसा कैसा पैचअप होता है आजकल ज़माने में, जो आजकल जो सामने जो पार्टी है उसकी बड़ी मुश्किल है तो उसको किस तरह से जेर करना है और एक अच्छे आदमी को चुनकर लाना है, इसके लिए हमें सारे लोगों को मेहनत करना है। अब वो कैसा होता है उसके ऊपर डिपेंड है। रहा सवाल, मैंने कभी भी सियासत मेरा मकसद रहा लेकिन मैंने अपने मफाद के लिए कभी नहीं किया, ये यहाँ के लोग सारे जानते होंगे, लेकिन एक अच्छे आदमी की कभी भी तारीफ करना चाहिए और उसको सराहना चाहिए। तो अपने सत्कार के जवाब में बोलते हुए प्रीतम म्हात्रे ने कहा कि मैं सत्कार स्वीकारने में नहीं बल्कि काम करने में रुचि रखता हूं। अपने पिता जे एम म्हात्रे के पदचिन्हों पर चलकर मैं समाज की सेवा करना चाहता हूं, ऐसा प्रतिपादन प्रीतम म्हात्रे ने किया। नमस्कार, स्टेज वरील सर्व पाहुणे, आज मी म्हणेन पाहुणे कारण मी काम करणारा माणूस आणि तुम्ही पाहुणे असं आज मी जाहीर करतो। कारण गेले अनेक वर्ष बघतोय, भाषण करणारेही बरेच आहेत, वादे देणारेही बरेच आहेत, मी म्हणत नाही मी काम करणार आहे, परंतु जे काम बोलेन ते मी जरूर करणारा माणूस आहे एवढं मला माहिती आहे। उगीच काहीतरी थापा मारणार, हे काम करू ते काम करू, ते मला कधी माझ्या वडिलांमुळे मला कधी जमलं नाही आणि ते मला यापुढेही कधी जमणार नाही। की मी या सत्काराला किंवा इथे कार्यक्रम नाही बोललो होतो तुमच्या सगळ्यांच्या समक्ष सांगतो, तुम्ही विचारू शकता, कारण भाऊंजी असे सत्कार कधीच स्वीकारले नाहीत। इस दौरान अपने बहुमूल्य मतों को औने पौने दामों में बेचकर खुद को बेइज्जत ना करे और जो राजनीतिक दल या नेता आपके आड़े वक्त में काम आए उसी को विजयी करे, ऐसा आह्वान प्रीतम म्हात्रे ने किया। इलेक्शन आले कि सगळे येतात, 1,000, 2,000 आपली किंमत करतात, पण माझा ऐका, जर तुम्ही खरोखर मनाने ऐकत असाल या 1,000, 2,000 ला किंमत देऊ नका, कारण 2,000 तुम्ही 5 वर्ष डिवाइड केले तर कितीतरी पैशांनी आपली किंमत होते, पण रोजची जी 27 पैसे रोजचे आपण घेतो, म्हणजे विषय हसण्यासारखा नाहीये। आज सगळे जण करतात,
परंतु रोजच्या मूलभूत गरजा म्हणजे आज रस्ता, कचरा आणि पाणी या जर तुम्हाला तुमचे हे सत्ताधारी किंवा महापालिका देऊ शकत नसतील सरपंच शेकापक्षे महानगर जिला सचिव गणेश कडू सहित सत्तार मामू नाजिम नालखंडे आदि ने भी अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए प्रीतम म्हात्रे द्वारा की जा रही समाज सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद दिए।